बड़ी और अहम खबर, उत्तर प्रदेश में खुलने वाले हैं स्कूल, बोर्ड ने पेरेंट्स से मांगी है राय। ये खबर आपको नवभारत टाइम्स पर मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही बिहार में 12 जुलाई से स्कूल खुल रहा है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर 11वीं 12वीं के छात्र हो, 50% क्षमता के साथ 12 जुलाई से स्कूल बुलाए जाएंगे। और बात करें उत्तराखंड की, तो बिहार की तरह ही एसओपी जारी हो गई है, उत्तराखंड में भी 12 जुलाई से स्कूल खुल रहा है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो बिहार और उत्तराखंड से भी कम केस यूपी में आ रहे हैं, यानी जो कोरोना के केस होते हैं वो यूपी में सबसे कम आ रहे हैं। तो इसे देखते हुए एसओपी जारी की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी विद्यालय खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, 11वीं 12वीं के छात्र 50% क्षमता के साथ जिस प्रकार से बिहार और उत्तराखंड में बुलाए जा रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी बुलाया जाएगा। बड़ी खबर है, आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। इसके साथ ही आप जाकर नवभारत टाइम्स पर भी इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। तो क्या अहम खबरें हैं आपको बताएंगे, अंत तक देखिएगा। तो स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस न्यूज की हाईलाइट समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में खुलने वाले हैं स्कूल, यूपी सरकार ने जारी किए हैं निर्देश, स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल खोलने की योजना है, पेरेंट्स से लिए जा रहे हैं सहमति पत्र। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है, सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल सिर्फ शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को ही स्कूल बुलाया जा रहा है, विद्यार्थियों को फिलहाल स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी, उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलेगी। लेकिन जैसे ही केस कम होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, टीचर स्कूल से ही ऑनलाइन क्लास देंगे। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग से विचार किया जा रहा है, बच्चों को बुलाया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों ने शिक्षण कार्य शुरू करने का विचार कर दिया है। इस संबंध में अभिभावकों से उनकी राय और सुझाव मांगे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी UPMSP के सचिव ने सभी जिला स्कूल के निरीक्षकों को पत्र भेजा है, चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर ये योजना लागू होती है तो यूपी बोर्ड में क्लास 9 से 12 तक के स्कूल पहले चरण में खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए स्टूडेंट और पेरेंट्स की सहमति पत्र लिया जाएगा। आपको बता दें, 64% ऐसे पेरेंट्स हैं जो सहमति पत्र दे चुके हैं कि हाँ विद्यालय खोलना चाहिए, उनकी सहमति विद्यालय खोलने पर है। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतिम फैसला होने के बाद ही स्कूल खुलने की गाइडलाइन SOP जारी की जाएगी। आपको बता दें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद राज्य में सभी सरकारी विभाग खोल दिए गए हैं। ये विभाग यूपी अनलॉक कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। तो जल्द ही विद्यालय खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड और बिहार की तरह, जिसमें बच्चों को बुलाया जाएगा, 50% क्षमता के साथ बुलाया जाएगा। लेकिन पढ़ाई अब ऑफलाइन भी स्टार्ट होने वाली है, SOP जल्दी जारी होगा। आपका क्या मानना है? अगर आपके पेरेंट्स अगर हाँ कहते हैं तो क्या आप विद्यालय जाएंगे या नहीं? ये सारी जानकारी अपना कमेंट, अपना सुझाव में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के अपडेट के लिए। धन्यवाद।